लालकुआ में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और इस पर अब राजनीति भी गर्माती जा रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने उत्तराखंड में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने इल्जाम लगाया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। सरकार की लापरवाही से प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की लचर व्यवस्था से आम जन को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में तमाम वो सहूलियतें अभी भी मौजूद नहीं है जो कि होनी चाहिए। सरकार जो है, शासन जो है, वो जिला प्रशासन को निर्देशित कर देता है। जिला प्रशासन जो है अपने प्रयासों से जो भी हो सकता है वो करता ही है और हम इस बात से सहमत भी हैं। कोरोना जो महामारी है उसमें सरकार को सबसे पहले तो उपलब्धता, चाहे दवाई की हो, वेंटिलेटर हो, बेड्स हो या जो भी दवाई है उसकी उपलब्धता करानी चाहिए। जब देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है, जो दावे करते थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, जब देश की राजधानी का बुरा हाल है तो भारत का जो ग्रामीण अंचल है, जो रिमोट एरिया है, उसकी क्या पोजीशन होगी, ये बात कुछ लोग समझ सकते हैं। और हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं, हम पहाड़ का क्षेत्र जो है, हमारे पहाड़ का क्षेत्र जहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो पहाड़ में क्या हाल होता होगा, वो तो ईश्वर की कृपा है। उत्तराखंड जो है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है, तो बचत है। नहीं तो सरकार के ऐसे कोई भी प्रयास नहीं है जिससे कि कोरोना संक्रमित या कोरोना महामारी के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई सरकार लड़े। सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।